प्रश्न संख्या 40। एक दर्जन में 12 केले होते हैं, तो 5 दर्जन में कितने केले होंगे? तो प्रश्न 40 में एक दर्जन में 12 केले देखिए दिया हुआ है। एक दर्जन में केले होते हैं 12। एक दर्जन में केले होते हैं 12, ये दिया हुआ है। तो कितना कह रहा है? 5 दर्जन में। तो देखिए 5 दर्जन में केले होंगे, 12 गुना 5, एक दर्जन में 12, तो 5 दर्जन में गुना कर देंगे हम, यानी कितना हो जाएगा? 60। तो 5 दर्जन में केले होंगे कितना? 60। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः 5 दर्जन में 60 केले होंगे। ठीक है, 5 दर्जन में 60 केले होंगे। प्रश्न संख्या 41। रीता ने 1 लीटर का 3 पैकेट तथा आधा लीटर का 2 पैकेट खरीदा, उसने कुल कितने लीटर का पैकेट खरीदा? तो प्रश्न 40 में, ये 41 में, रीता ने 1 लीटर का 3 पैकेट तथा आधा लीटर का 2 पैकेट खरीदा, उसने कुल कितने लीटर का पैकेट खरीदा? तो रीता ने 1 पैकेट खरीदा, 1 लीटर का 3 पैकेट कह रहा है, तो 1 गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 गुना 3, 1 लीटर का 3 पैकेट कितना हो गया? 3 लीटर। 1 गुना 3 बराबर 3 लीटर जोड़ आधा लीटर का 2 पैकेट। तो देखिए 1/2 आधा लीटर, यानी 1/2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा? 1 लीटर। ठीक है, तो 3 लीटर जोड़ 1 लीटर, तो 1 लीटर का 3 पैकेट यानी 3 लीटर हुआ, आधा लीटर का 2 पैकेट यानी 1 लीटर हुआ, आधा लीटर का 2 पैकेट है तो आधा आधा लीटर यानी 1 लीटर। ठीक है, देखिए 1/2 गुना 2 यानी 2 से 2 कट जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो यहां लिखेंगे हम, देखिए कुल पैकेट, बराबर 3 है कितना हो जाएगा? 4 लीटर। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 4 लीटर, बस जोड़ देंगे हम दोनों को। तो रीता ने कुल पैकेट कितना खरीदा? 4 लीटर का। प्रश्न संख्या 42। मीकू का स्कूल 12 किलोमीटर 200 मीटर दूर है, वह 11 किलोमीटर 900 मीटर बस से तथा शेष पैदल गया, मीकू कितना पैदल गया? तो प्रश्न 42 में हम लिखेंगे मीकू द्वारा पैदल तय किया गया दूरी, मीकू द्वारा पैदल तय किया गया दूरी बराबर, देखिए पैदल मीकू जो है कितना दूर पैदल गया यही पूछ रहा है। तो मीकू का स्कूल 12 किलोमीटर 12 किलोमीटर 200 मीटर
तो किलोमीटर को हम किमी से लिखते हैं संक्षेप में, और मीटर को मी से, ठीक है। तो ये हुआ कुल दूरी, मीकू का स्कूल इतना दूर है, वह 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर 900 मीटर बस से गया, ठीक है। तो इसको हम घटा देंगे तो मीकू द्वारा पैदल तय किया गया दूरी निकल जाएगा। तो कुल दूरी में से बस से जो दूरी तय किया गया है उसको घटा देंगे, तो मीटर के सामने मीटर, देखिए शून्य में से शून्य गया शून्य, फिर शून्य, 2 में से 9 नहीं जाएगा तो इससे पैंचा लेंगे, तो 12 में से 9 गया 3, कितना आ गया यहाँ पे 300 मीटर, ठीक है। अब देखिए किलोमीटर, अब इसको, ये तो इसको पैंचा दे दिया था तो 1 हो गया, तो 1 में से 1 गया शून्य और 1 में से 1 गया शून्य, यानी 0 किलोमीटर 300 मीटर। तो इसका उत्तर क्या आएगा, सिर्फ 300 मीटर। तो मीकू द्वारा पैदल तय किया गया दूरी बराबर इसका उत्तर क्या होगा, सिर्फ 300 मीटर, क्योंकि किलोमीटर तो शून्य हो गया है, यानी सिर्फ दूरी क्या है 300 मीटर, यानी 300 मीटर वह पैदल गया, बाकी दूरी वह बस से ही तय कर लिया। प्रश्न संख्या 43। अपर इंडिया एक्सप्रेस रेलगाड़ी सुबह 6:42 पर भागलपुर से खुली तथा उसी दिन दोपहर 12:40 पर पटना पहुंची, तो उस रेलगाड़ी को भागलपुर से पटना आने में कुल कितना समय लगा। तो प्रश्न 43 में तो रेलगाड़ी को लिखेंगे हम, रेल गाड़ी को भागलपुर से पटना आने में कुल समय लगा। तो रेलगाड़ी को भागलपुर से पटना आने में कुल समय लगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो कह रहा है 6:42 पर भागलपुर से खुली और उसी दिन दोपहर 12:00 यानी 12:40 पर, ठीक है। तो 12:00, तो 12:40, ठीक है, और सुबह कितना है 6:42, ठीक है। इसको हम घटा देंगे तो देखिए 10 में से 2 गया 8, 13 में से 4 गया 5, तो 12:40, ये देखिए मिनट में है तो इसके ऊपर हम मिनट लिख देते हैं, ठीक है। और ये क्या है, घंटा में, तो 40 से 42 नहीं घटेगा, ठीक है, 40 से 42 नहीं घटेगा। तो 1 घंटा इधर, इससे इधर से हम 1 घंटा लेंगे, यानी 1 घंटा तो इधर आके मिनट में हो जाएगा, तो 60 मिनट इधर हो गया, तो 60 40 कितना हो गया 100। देखिए 40 मिनट है, इस यहाँ पे 42 मिनट है, तो 40 मिनट में से 42 तो घटेगा नहीं, तो इसीलिए हम इधर से पैंचा लेंगे, तो 1 घंटा पैंचा लेंगे यानी 60 मिनट पैंचा लेंगे, तो 60 जोड़ 40 कितना हो गया 100। 60 40, 60 इधर से आया यानी मिनट में आएगा क्योंकि 1 घंटा हम ले रहे हैं, तो 60 40 100 हो गया। तो अब 100 में से 42 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 58। देखिए 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, यानी यहाँ पे हो जाएगा 58 मिनट, और 1 घंटा इधर दे दिया तो ये 11 हो गया, 11 घंटा, 11 में से 6 गया 5, यानी 5 घंटा 58 मिनट इसका उत्तर होगा। तो लिखेंगे अतः समय लगा 5 घंटा 58 मिनट। तो जब भी इस तरह का घटाव हो तो हमेशा घंट इधर से पैंचा लेंगे तो 1 घंटा आएगा इधर, ठीक है। तो घंटा जब आएगा तो 60 यहाँ पे मिनट में बदल जाएगा, तो 60 मिनट,
यानी 60 40 100, 100 में से हम 42 को घटाएंगे तो आएगा 58। 1 घंटा इधर दे दिया तो 11 बचा, 11 में से 6 गया 5। ठीक है, तो इस तरह से जब भी इस तरह का घटाव आए तो इस तरह से ही घटाना है इसको। इन्हें के पैसे जैसे घटाओ को घटाते हैं, 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 3, 13 में से 4 गया 9, इस तरह से नहीं घटेगा। ठीक है, क्योंकि ये घंटा और मिनट वाला घटाव है, तो जैसे हम लोग अपना उम्र निकालते हैं उसी तरह से इसको भी घटाना होगा। प्रश्न संख्या 44। तूफान एक्सप्रेस रात्रि 9:10 पर पटना से खुलकर दूसरे दिन 8:30 रात्रि में नई दिल्ली पहुंची। पटना से नई दिल्ली जाने में तूफान एक्सप्रेस को कुल कितना समय लगा? तो प्रश्न 44 में लिखेंगे पटना से नई दिल्ली पटना से नई दिल्ली जाने में तूफान, तो तूफान एक्सप्रेस रात्रि 9:10 पर पटना से खुलकर दूसरे दिन, देखिए दूसरा दिन कह रहा है 8:30, ठीक है, रात्रि में, और खुला था कब? 9:10 पर। तो इसको हम घटाएंगे तो देखिए 30 में से 10 गया तो 20, ये मिनट में है और ये घंटा में है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20 मिनट तो आ चुका है, लेकिन यहाँ पे 8 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो घंटा है यहाँ पे, तो 24 घंटा हम पहचान लेंगे। तो किससे पहचान लेंगे? यहाँ पे किसी से नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दूसरा दिन कह रहा है, तो 9:10 पर पटना से खुलकर दूसरे दिन पहुंचा है 8 बजे, तो 24 घंटा यानी दूसरा दिन यानी 24 घंटा हुआ दूसरे दिन का, तो 24 पैंचा लेंगे तो 24 8 कितना हो गया? 32, 32 में से 9 गया तो 23। तो ये देखिए जब भी दूसरा दिन का बात रहे तो 24 घंटा हम पैंचा ले लेंगे और उसको जोड़ देंगे, 24 8 32, 32 में से 9 गया, देखिए 24 8 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 32। ठीक है, और 32 में से 9 को घटाएंगे तो 12 में से 9 गया 3, ये हो गया यानी 23 आ गया, तो 23 घंटा 20 मिनट इसका उत्तर होगा। तो जब भी दूसरा दिन का है इस तरह का घटाव रहे, दूसरा दिन का है, तो देखिए जो घंटा है उसमें 24 घंटा को हम दूसरा दिन वाला, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है इसलिए दूसरा दिन कह रहा है, तो दूसरा दिन 24 घंटा का होगा, तो 24 घंटा इसमें जोड़ करके हम घटा देंगे। तो यहां पे लिखेंगे अतः समय लगा, कितना समय लगा? 23 घंटा 20 मिनट। कितना समय लगा? 23 घंटा 20 मिनट। तो प्रश्न संख्या 44 हम इस तरह से हल कर लेंगे। अगर दूसरा दिन नहीं रहता तो बस जो भी रहता उसको बस घटा देते, जैसे इसके पहले वाला हिसाब में घटाए थे, तो इसीलिए दूसरा दिन कहे तो दूसरा दिन यानी 24 घंटा को हम घंटा में जोड़ देंगे, उसके बाद घटाएंगे।